उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी इतना काहे डर रही है, यह सवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे में करने में बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या कुशवाहा के साथ बीजेपी की डीलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है क्या, अथवा सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है? सवाल तो कई तरह के हैं, लेकिन जवाब अभी सियासी पटल पर किसी का नहीं मिल रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने अचानक कल सुरक्षा बढ़ा दी। अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कुछ दिन पहले ही उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। इस अचानक से बीजेपी की उदार कृपा दृष्टि के पीछे के दांव खंगाले जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की भी मानते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 2 माह पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। ऐसे में इस वाई प्लस कैटेगरी को बीजेपी की ओर से सियासी जाल माना गया। दरअसल इस साल के फरवरी से ही नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में अनबन शुरू हो गई थी। मामला इतना अधिक बढ़ गया कि भैयारी और हिस्सेदारी की बात उठने लगी, लेकिन नीतीश कुमार के आगे उपेंद्र कुशवाहा की एक नहीं चली। फिर वे जदयू से धीरे से बाहर निकलकर अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बना ली। इसके हफ्ता भर बाद ही नरेंद्र मोदी की सरकार उपेंद्र कुशवाहा पर मेहरबान हो गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जदयू से बगावत कर पार्टी से बाहर निकले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने सुरक्षा के नाम पर गिफ्ट दिया था, या यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने सिक्योरिटी के जरिए कुशवाहा पर अपना जाल फेंका था। और लोग यह भी मान रहे थे कि कुशवाहा इस जाल में फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन लगभग 2 माह के बाद अचानक वाई प्लस सुरक्षा को जेड कैटेगरी में बदल दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी को उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कई इनपुट्स मिल रहे थे। उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा है। साल भर बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। कुशवाहा नरेंद्र मोदी के पहले शासनकाल में मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी इसे अपने पाले में करने में लगी हुई है और कुशवाहा को बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम किरदार माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन यह है कि उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऊपर से अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उन्होंने अपनी पत्नी को भी सियासी पटल पर खड़ा कर दिया। वहीं अब तक चिराग पासवान भी खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं। वहां भी मामला पशुपति पारस को लेकर फंसा हुआ है। बहरहाल बीजेपी एक साथ कई लेवल पर अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। वह यह भी जान रही है कि बिहार ही इस बार 2024 के चुनावी संग्राम की रणभूमि बनेगा। असली लड़ाई इसी फील्ड पर होनी है। ऐसे में वह बिहार के दिग्गज नेताओं को इग्नोर नहीं कर सकती है। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार अब सुरक्षा चक्र से नेताओं को अपने पाले में करने में जुट गए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जेड सुरक्षा से उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में करने में बीजेपी सफल होगी या वह कोई और दाव चलेगी।